Yeah, good evening. Today we are doing videography for exercise, it's miscellaneous of 3D. Exercise, third exercise of this chapter. Third exercise of this chapter is not in the syllabus as plane is not there in the syllabus, okay? Chapter number 11, 11.3 is not there in the syllabus. So we are directly starting from, miscellaneous of this chapter 3D. To start with, Alankrit, I would like you to read question number 1 of miscellaneous chapter 11. Show that the line joining the origin to the point 2, 1, 1 is perpendicular to the line determined by the points 3, 5, -1 and 4, 3, -1. देखो यहाँ पर हमें ये शो करना है कि लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट और एक पॉइंट दिया हुआ है 2, 1, 1 और दो और पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हमें ये प्रूव करना है ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है. पहले मैं आपको पॉइंट लिख के बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर पहला जो पॉइंट था वो ओरिजिन था तो उसे मैंने ए मान लिया और उसके कोऑर्डिनेट ले लिए 0, 0, 0 और जो दूसरा पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट गिवन थे 2, 1, 1. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा डायरेक्शन रेशियोज निकालूंगा किसके ए बी के. और आप सभी को पता है जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं इसे आप अपने मन में x1 y1 z1 मान लीजिए इसे x2 y2 z2 मान लीजिए और डायरेक्शन रेशियोज निकालने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1. तो x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 0 1 माइनस 0 और 1 माइनस 0 यानी कि डायरेक्शन रेशियोज ए बी के आ गए 2, 1, 1. ठीक है ऐसे बेटा दो पॉइंट और दिए उन्हें आप सी और डी मान लीजिए. कोऑर्डिनेट मैं लिख देता हूं सी के हैं 3, 5, -1 और डी के हैं 4, 3, -1. ठीक है तो अब हम क्या निकाल लेंगे डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे किसके सी डी के. ये ध्यान रखना ये जो पहले डायरेक्शन रेशियोज को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं इन्हें A1 B1 C1 दे दिया. अब CD के मैं निकाल रहा हूँ फॉर्मूला वही सेम है इसे अब अपने माइंड में X1 Y1 Z1 माने इसे X2 Y2 Z2 माने और अब फॉर्मूला वही सेम है जो ऊपर लिखा है X2 माइनस X1 कॉमा Y2 माइनस Y1 कॉमा Z2 माइनस Z1. तो CD के कितने आ जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज बोलिए 4, -3, -5, -1, -1. तो ये आ जाएंगे 1, -2 और 0 आ जाएंगे राइट. ये CD के आ गए डायरेक्शन रेशियोस. तो अब आप ध्यान से देखिए और कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी आपको पता ही है कि अगर AB CD के परपेंडिकुलर प्रूव करना है ये जो आ गए ना डायरेक्शन रेशियोस इन्हें A2 B2 और C2 नाम दे दीजिए. और आपको पता है A1.A2 प्लस B1.B2 प्लस C1.C2 जो है वो हमारा 0 होना चाहिए. A1 था 2 2 × 1 प्लस 1 × -2 प्लस 1 × 0. इसे सॉल्व करिए 2 − 2 प्लस 0 0 + 0 तो ये 0 + 0 = 0 ही आ गया राइट. तो ये आ गया मतलब 0 लाना था वो आ गया. तो इसका मतलब है देयरफॉर AB इज परपेंडिकुलर टू CD और यही हमें प्रूव करना था. अब सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है इसलिए ध्यान दीजिएगा. यस अलंकृत सेकंड क्वेश्चन पढ़िए. L1, M1, N1 and L2, M2, N2 are the direction cosines of two mutually perpendicular lines. Show that the direction cosines of the line perpendicular to both of these are M1, N2 minus M2, N1. तो सेकंड क्वेश्चन में L1, M1, N1 और L2, M2, N2 ये जो है डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं और दो लाइंस हैं जो आपस में परपेंडिकुलर है. तो हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं एक ऐसी लाइन के जो परपेंडिकुलर हो इन सब लाइन के. ठीक है ना M1, N2 minus M2, N1 और N1, L2. ठीक है ना ये मतलब आपको मैं लिख के बताता हूँ तो ज्यादा बेटर समझ आएगा.
थोड़ा सा डिफरेंट है और टिपिकल क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा मेरे साथ साथ करें, ठीक है। लेट कर लीजिए सबसे पहले L1, M1, N1 और L2, M2 और N2, ये जो है क्या दिए हुए हैं, ये डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं, ठीक है, किसके, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब है, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है L1 dot L2 प्लस M1 dot M2 प्लस N1 dot N2 इज इक्वल टू में 0। सॉरी, इसके अलावा वो तो पता ही आपको, L2 + M2 + N2 1 होता है। तो यहां से लिख दीजिए कि L1 square, इसे 1 दे दीजिए फिलहाल, और L1 square + M1 square + N1 square जो है वो हमारा 1 है, और ये भी आपको पता है L2 square + M2 square + N2 square जो है ये भी हमारा 1 है, इसे नंबर 2 दे दीजिएगा, इसे नंबर 3 दे दीजिएगा, ठीक है ना। अब आपको पता है, लेट कर लो small l, small m और small n, ये क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 और L2 M2 N2। उसने बोला था कि भाई इसके बताओ क्या होंगे, ठीक है ना। तो इसे मैं, मतलब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ऐसा होना चाहिए L1 dot L + M1 dot M + N1 dot N जो है इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसे नंबर 3 दे दीजिए आप, और ऐसे ही L2 dot L + M2 dot M + N2 dot N भी 0, क्योंकि भाई कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी आपको पता ही है। अब आपको L, यहां से मैं ऐसे लिखता हूं L -M और N, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो आपने 10th में किया है। जब आप L अपॉन लिख रहे हैं तो ऐसे L के कोफिशिएंट पे हाथ लिख रख लीजिए, आपको दिखेगा M1 M2 यूं वर्टिकली, और यहां दिखेगा N1 और N2। अभी इनकी आपने ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है ना, इक्वल टू, थोड़ा सा इधर लिख रहा हूं मैं, माइनस एम है ये, मैं काट रहा हूं एक मिनट। वैसे आपको पैटर्न पता है ना, अलंकृत ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना। माइनस एम जब लिखोगे बीच वाले के कोफिशिएंट पे हाथ रख लो तो आपको नजर आएगा L1 L2 और यहां से N1 N2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहां पर इसके कोफिशिएंट पे ऐसे हाथ रख लो तो आपको क्या दिखेगा, L1 L2 और M1 M2, तो इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है। मैं थोड़ा यहीं पर कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट पेज पे अगर इसे ले जाऊंगा मुझे बार बार ये देखना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ स्पेस बना रहा हूँ ताकि आप इजीली डिफरेंशिएट कर सको स्टेप्स में, ठीक है, ये मैंने, ठीक है। अब अगर आप करोगे ना तो ये ऐसे बन जाएगा, एल अपॉन में ये बन जाएगा M1 N2 - N1 M2, ठीक है। कोशिश करो M को पहले लिखो क्योंकि अल्फाबेटिकली M पहले आता है, राइट, तो इसे M2 N1 लिख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इक्वल टू है माइनस एम अपॉन में, ये हो जाएगा L1 N2, अब N पहले आता है थोड़ा सा हैबिट ऐसे बनाओ लिखने की, ठीक है, ये हो जाएगा N2 L1 - N1 L2 इक्वल टू N अपॉन में क्या हो जाएगा बोलो, L1 M2 - L2 M1। इसका अगला स्टेप यहां लिख रहा हूं, देखो एक काम और करना है एक स्टेप इसमें, ये L अपॉन में इसे तो लिख, एक सेकंड रुकिए,
इसे तो आपने लिखा रहने देना ऐसे m1 n2 माइनस m2 n1, और ये माइनस m है ना, मतलब माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि m का कोफिशियंट मुझे पॉजिटिव चाहिए। तो ये हो जाएगा n1 l2 पहले आ जाएगा माइनस n2 l1 इक्वल टू में है n अपॉन में, ये हो जाएगा l1 m2 माइनस l2 m1, ये m1 आया ठीक है, m1 है राइट यस। तो अब है ना मैं थोड़ा सा लेट और कर रहा हूं, मैं लेट कर रहा हूं m1 n2 माइनस m2 n1 जो है इसे मैं स्मॉल p मान रहा हूं, जो डिनोमिनेटर है n1 l2 माइनस n2 l1 को मैं स्मॉल q मान रहा हूं, और l1 n2 माइनस l2 n1 को मैं स्मॉल r मान रहा हूं। कितना हो गया अलंकृत? Yes. तो मैं रब कर रहा हूं ठीक है। Yes. ठीक है, अगर देखो आप ऐसे मान लोगे तो ये जो भी आपका पिछला एक्सप्रेशन था ना वो चेंज होके कुछ ऐसे बन जाएगा, L अपॉन में P हो जाएगा इक्वल टू M अपॉन में Q इक्वल टू N अपॉन में R ठीक है। फर्दर ये एक स्टेप होता है इसमें है ना, ऐसे स्क्वायर करके इसके ऐड कर दो तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, और नीचे ये हो जाएगा रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ठीक है ना। तो ये कैंसल, ये वन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और वन का रूट भी यू नो वन ही होगा, पहले पीछे दिया हुआ था ये चीज वन है राइट ठीक है। इसे पीछे वाले को क्या नंबर दिए थे अभी तक मैंने? थर्ड तक दिया था, देख लेते हैं पीछे वाले थर्ड तक दिया था। ओके रुको ठीक है, तो इसे मैं नंबर फोर दे रहा हूँ ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि ये वन कैसे आया, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो होता है वो वन होता है, ध्यान रखना ठीक है। इसे मैंने फोर्थ नंबर दे दिया। अब बेटा आपको एक आइडेंटिटी कंसिडर करनी है, ये आइडेंटिटी मतलब कुछ ऐसे मैं लिख रहा हूँ इसे, अगर आपको याद हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का जो होल स्क्वायर है माइनस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर, ये वाली साफ साफ पता आपको a क्या है यहाँ पर l1 है, तो ये हो जाएगा l1 square plus m1 square मतलब ये मैंने समझाने की कोशिश की है। आइडेंटिटी छोड़ो, मैं एक आपको चीज लाइन में लिख के बताता हूँ तो आइडेंटिटी अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। l1 square plus m1 square plus n1 square into में l2 square plus m2 square प्लस एन टू स्क्वायर माइनस में थोड़ा सा टिपिकल है, मैंने पहले ही कहा था एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू का होल स्क्वायर। ये फर्दर किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा एम वन एम टू माइनस एम टू एन वन जो क्रॉस मल्टीप्लाई से आया था, यानी कि पी का स्क्वायर राइट। ऐसे ही क्यू का स्क्वायर मतलब एन वन एल टू माइनस एन टू एल वन का होल स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर। अगर आपको ध्यान हो ये क्या चीज थी, ये P था इतना, ये अंदर वाला पार्ट ये Q था और ये वाला R था ठीक है। अब इसकी RHS को मैं एक तरीके से सॉल्व करता हूँ राइट। RHS हमारी मतलब सॉल्व होके क्या बन गई है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बन गई है। अब LHS को लेता हूँ, LHS किस फॉर्म की है? LHS ये थी याद है ना, L1 square plus ये चीज थी ठीक है, मतलब इसके इक्वल आ गई। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि this further equal to L1 square plus M1 square plus N1 square bracket L2 square plus M2 square plus N2 square minus में यही सेम चीज थी L1 L2 plus M1 M2 प्लस एन वन एन टू का होल स्क्वायर ठीक है ना। तो अब आप जो पहली में हमने इक्वेशन दी थी, अगर आपको ध्यान हो पहली इक्वेशन सबसे पहले वो दी थी एल वन एल टू
प्लस एम वन एम टू प्लस प्लस एन वन एन टू, अगर आपको याद हो एल वन एल टू ये कौन सी इक्वेशन नंबर था? जो अभी वाले फोर्थ इक्वेशन थे, ये फोर्थ थी श्योर, इसे जो अभी यूज कर, नहीं ये वाली, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन थी, इसे तो फाइव दे दो, इसे फर्स्ट दे दो, ठीक है। तो और आपको ये भी पता है कि एल वन स्क्वायर प्लस एम वन स्क्वायर प्लस एन वन स्क्वायर क्या था, ये भी वन था, और एल टू स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर एन टू स्क्वायर एन टू स्क्वायर भी वन था। ये सारी वैल्यू उठा के फिफ्थ में डाल दो, ठीक है ना। और इसकी लेफ्ट साइड क्या है पता है ना, पी स्क्वायर, मतलब ये सेम एक लाइन में चल रही है, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो फिफ्थ में पुट कर दो, पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर फाइव, ठीक है ना। मैं यहीं पर कर रहा हूं ताकि आपको सामने ही दिखता रहे। तो अगर आप डाल दोगे ना तो ये ऐसा बच जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड थी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये क्या था, ये वन आया, ये भी वन आया, ठीक है, और ये कितना है, जीरो आया। तो ये हो जाएगा वन इंटू वन माइनस जीरो का होल स्क्वायर, मतलब वन आ गया, कहने का मतलब है दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो वन आ गया। तो यानी कि जो एल अपॉन पी इक्वल टू एम बाय क्यू इक्वल टू एन बाय आर था, वो किसके इक्वल था, वन ओवर में रूट ऑफ क्या था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये वन आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पे मैं कर रहा हूँ सेम चीज। तो इन सबका यही मतलब है कि जो एल था वो अब पी के इक्वल, एल बाय पी अगर वन आ गया, मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ, अभी हमारा आ गया था एल बाय पी एम बाय क्यू और एन बाय आर, ये वन आ गया। तो इसका मतलब है एल बाय पी अगर वन है तो आपको पता है एल किसके इक्वल हो जाएगा, पी के। एम बाय क्यू अगर वन है, एम किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के। एन बाय आर अगर वन है तो एन किसके इक्वल हो जाएगा, आर के। और पी किसे माना था याद है, बोलो, M1 N2 M1 N2 minus M2 N1 equals to P। और ऐसे ही Q किसे माना था, तो Q माना था L1 N1 L2 minus N2 L1 is equals to Q। और तीसरा R किसे माना था, L1 M L1 M2 minus L2 N M1 को माना था, L1 M2 minus L2 M1 को माना था। Yes। तो therefore डायरेक्शन कोसाइंस जो रिक्वायर्ड थे वो यही आ गए, पहला आ गया एम वन एन टू माइनस एम टू एन वन, दूसरा आ गया, यही प्रूव करना था याद है ना, एन वन एल टू माइनस एन टू एल वन, और तीसरा आ गया एल वन एम टू माइनस एल टू एम वन, ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं चाहूंगा अब आप थर्ड क्वेश्चन पढ़ें, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्लेन के हमने कट कर रखे हैं, आप भी साथ साथ नोट कर सकते हैं। थर्ड पढ़ो, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी एंड बी इज इक्वल बी माइनस सी सी माइनस ए एंड ए माइनस बी। ये काफी इजी क्वेश्चन है अलंकृत, हमें एंगल बताना है बिटवीन द लाइंस जिनके डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी, और ये दिए हुए हैं बी माइनस सी सी माइनस ए और ए माइनस बी। तो डायरेक्ट मैं आपको करके ही बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा थ्री, ए बी सी और बी माइनस सी सी माइनस ए और ए माइनस बी, ठीक है, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं। जो दो लाइंस गिवन थी उनके डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है। तो इनके बीच का एंगल का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, कॉस थीटा का क्या होता है, ए वन ए टू। देखो यहां पर ये लिख लो, ये ए वन है, ये बी वन है और ये सी वन है, और यहां पर ये ए टू है, ये बी टू है और ये सी टू है। डायरेक्ट लिख लो पहले फॉर्मूला, सभी को पता है, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपॉन में मॉडुलस ऑफ जो पहले वाले के, मतलब रूट ऑफ ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और दूसरा वाले के हो जाएंगे
ये पहला था उसका b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसे सॉल्व कर लोगे तो ए वन की जगह लिखो ए, ए टू की जगह लिखो बी माइनस सी, ठीक है, बी वन की जगह लिखो बी, बी टू की जगह सी माइनस ए, सी वन की जगह सी और सी टू की जगह ए माइनस बी। और बेटा डिनोमिनेटर को मैं टच नहीं कर रहा, जैसे है वैसे ही रहने दो, बस मैं न्यूमिनेटर को सॉल्व कर रहा हूँ, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी अपॉन में डिनोमिनेटर जो है वैसे रहने दो। ध्यान से देखो ए बी ए बी कट गया, ए सी से ए सी, बी सी से बी सी कट गया, तो बच गया जीरो अपॉन में सेम डिनोमिनेटर जो भी था तो वो जीरो ही हो जाएगा, राइट। तो कॉस थीटा जीरो कब होता है? 90 डिग्री पर, यानी कि थीटा हमारा कितना आ गया 90 डिग्री। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, राइट। फोर्थ पढ़िए। Find the equation of a line parallel to x-axis and passing through the origin. अब हमें इक्वेशन बतानी है एक ऐसी लाइन की जो एक्स एक्सिस के तो पैरेलल है और ओरिजिन से पास कर रही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है ये फोर्थ। देखिए, ऐसी लाइन जो पैरेलल होगी किसके, एक्स एक्सिस के, और पास करेगी किसमें से, ओरिजिन, मतलब जीरो जीरो में से, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो क्या होगी, वो पासिंग थ्रू ओरिजिन वो क्या होगी, वो एक्स एक्सिस ही तो होगी खुद, राइट, इज एक्स एक्सिस इटसेल्फ, राइट। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है, उसका वाई भी जीरो और जेड भी जीरो, तो यही इक्वेशन होगी, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, खुद ही कर लेना। ओके, नेक्स्ट पढ़िए फिफ्थ। If the coordinates of the points A, B, C, and D be 1, 2, 3, 4, 5, 7, and minus 4, 3, minus 6, and 2, 9, 2 respectively, then find the angle between the lines AB and CD. मैं एक छोटे से डायग्राम से आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 5। तो एक है ना डायग्राम बना लो हल्का सा, जिसमें A और B के कोऑर्डिनेट आपको दिए हुए हैं ऐसे ही, C और D के दिए हुए ऐसे, ठीक है ना, ये दो ऐसे मैंने लाइंस बना ली। देखो A के क्या दिए हैं 1, 2, 3, B के दिए हैं 4, 5 और 7, C के क्या दिए हैं -4, 3 और -6, और इनके ये D हो जाएगा यहाँ नीचे, इनके बीच का एंगल ये थीटा बताना है, D के दिए हैं 2, 9 और 2। सबसे पहले मैं एक काम करूंगा बेटा, ए बी और सी डी दोनों के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेता हूँ। अब थोड़ा डायरेक्ट ही कर लेता हूँ, अब तो आपको आते ही है डायरेक्शन रेशियोज निकालना है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन रेशियोज ए बी के x2 - x1 मतलब 4 - 1, 5 - 2 और 7 - 3 होंगे, ठीक है ना, ये सब आपको आता है। तो 3, 3, 4 होंगे, और ऐसे ही डायरेक्शन रेशियोज किसके निकाल रहा हूँ मैं, CD के D के कोऑर्डिनेट माइनस में C के कर लो, ठीक है ना। तो CD के क्या आ जाएंगे भाई, बोलो, 2 - -4 मतलब 2 + 4, फिर 9 - 3 और 2 - -6, सभी को पता क्या होते हैं, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज आपने बहुत बार निकाले हैं, 6, 6, 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करो, इसे नाम दे दो, इसके डायरेक्शन रेशियोज को दे दो A1, B1, C1, और इसको दे दो A2, B2 और ये C2। अब रेशो चेक करो, A1 / A2, B1 / B2 और C1 / C2 जो है वो सेम है या नहीं है, तो रेशो बराबर है तो ये पैरेलल हो जाएंगे। तो देखो 3/6 = 3/6 = 4/8, तो वही रेशो क्या आ गई हर बार, 1/2 आ गई, ठीक है। देयरफॉर AB, अगर ये रेशियो बराबर है तो AB पैरेलल टू CD है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 6, पढ़िए अलंकृत। इफ द लाइंस x - 1 - -3 इज इक्वल्स टू y - 2 / 2k इज इक्वल्स टू z - 3 / 2 एंड x - 1 / 3k
equals to y minus 1 by 1 is equals to z minus 6 by minus 5 are perpendicular. Find the value of k. तो यहाँ दो लाइंस दे रखी हैं, ये परपेंडिकुलर है आपस में, तो के की वैल्यू निकालनी है। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्शन रेशियोज करके निकाल लेते हैं। पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये 6। पहली जो लाइन है उसकी इक्वेशन दे रखी है x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, y माइनस 2 अपॉन 2k और z माइनस 3 अपॉन 2। और दूसरी है x माइनस 1 ओवर 3k इक्वल टू y माइनस 1 ओवर 1 इक्वल टू z माइनस 6 ओवर माइनस 5। ये दे रखी है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि पहले ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, राइट। इन्हें क्या नाम देंगे, ये a1। पर ये फॉर्म ऐसी होनी चाहिए, x माइनस x1 होना चाहिए, y माइनस y1, z माइनस z1 की फॉर्म में होने चाहिए, अगर आपको ध्यान है ना। तो ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है। तो साफ साफ पता चल रहा है a1 है माइनस 3, मतलब पहली वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1 आपके सामने है। a1 है माइनस 3, b1 है 2k, c1 है 2। और ऐसे जो दूसरी लाइन है उसमें a2 है 3k, उसके डायरेक्शन रेशियोज b2 है 1 और c2 है माइनस 5। अब आपको कंडीशन पता है परपेंडिकुलरिटी की, भाई a1 a2 इसे आप लिख सकते हैं, दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, ठीक है। a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0। अब ये ऑलरेडी गिवन है कि भैया लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो k की वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 की जगह माइनस 3, a2 की जगह 3k, b1 की जगह 2k, b2 की जगह 1, c1 की जगह 2 और c2 की जगह माइनस 5। सॉल्व कीजिए इसे, सॉल्व आप कर ही लेंगे इसे। ये आ जाएगा k, आ जाएगा माइनस 10/7। तो k की वैल्यू हमें निकालनी थी, वो हमारी आ गई है, राइट। आप क्लास मार्क कर लीजिए, 7th और 8th तो सिलेबस में नहीं है, और जो 9th है इसमें, ये वाला सिलेबस में है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है लाइंस के बीच में, तो 9th वाला पढ़िए। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस r वेक्टर इज इक्वल्स टू 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड r वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस 4i कैप माइनस k कैप प्लस म्यू टाइम्स 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो ध्यान दीजिए क्लास, सबसे पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं और ये लाइन जो दी है इनकी इक्वेशन भी आपके लिए लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 9th, राइट। देखो आप लेट कर लीजिए, a1 और a2 दो पॉइंट्स है। a1 की इक्वेशन क्या दी है, मैं वही क्वेश्चन से डायरेक्ट लिख रहा हूं। a1 है हमारा 6i plus 2j plus 2k, राइट। अगर आपको ध्यान हो ये वेक्टर आर की इक्वेशन दे रखी है, इसी से आते हैं ए वन बी वन ए टू बी टू। एक लाइन की दे रखी है 6i प्लस 2j प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स i माइनस 2j प्लस 2k और दूसरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है माइनस माइनस 4i कैप माइनस k कैप प्लस म्यू टाइम्स 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो मैं अलंकृत आगे लिखने के बजाय इसी में मार्क कर लेता हूं भाई डायरेक्ट। आपको पता ही है ये क्या है, ये a1 है। जिन बच्चों को नहीं पता, ये फॉर्म होती थी a प्लस लैम्डा b, अगर ध्यान हो तो, राइट। तो ये a1 है 6i प्लस 2j प्लस 2k, ये क्या दिया हुआ है, ये b1 है। b1 कितना है हमारा, i माइनस 2j प्लस 2k। ये हमारा a2 है, इतना माइनस 4i माइनस k और b2 कितना है 3i माइनस 2j माइनस 2k, ठीक है ना। ये तो यहीं पे मैंने मार्क कर लिया। अब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला याद होगा, जिन बच्चों को नहीं याद उन्हें मैं याद दिला देता हूं। a1 माइनस a2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन में b1 क्रॉस b2, इसका मॉडुलस, ठीक है। तो सबसे पहले भाई एक काम करते हैं,
a1 माइनस a2 निकाल लेते हैं डायरेक्ट यहां से, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस फोर माइनस सिक्स, बोलो कितना हो गया, माइनस टू, ए वन माइनस ए टू, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस टेन, माइनस टेन आई, राइट। आगे बोलो, माइनस टेन आई, उसके बाद फिर सर टू माइनस ऑफ, नहीं 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 उल्टा कर रहे हैं, प्लस टेन आई होगा ना, ये ए वन माइनस ए टू करना, तो सिक्स माइनस ऑफ माइनस फोर प्लस टेन आई, आगे बोलते जाओ, प्लस टू, अच्छा देखो जे कैप वाला वो जीरो है तो सिर्फ टू जे कैप आएगा, और टू माइनस ऑफ माइनस वन, थ्री, थ्री के कैप, ठीक है ना, टू माइनस ऑफ माइनस वन है, राइट। अब इसके बाद मैं निकाल रहा हूँ बी वन क्रॉस बी टू, और आपको पता है बी वन क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट वाले फॉर्म से, ये आई है ये जे, सभी को आता है सॉल्व करने, बी वन की जगह लिखो वन माइनस टू और टू, बी टू की जगह लिखो थ्री माइनस टू और माइनस टू। आई होप अलंकृत आप इसे सॉल्व कर लोगे, हैं जब आई लोगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये रो ये कॉलम छोड़ो, ये हो गया प्लस फोर माइनस ऑफ माइनस फोर माइनस जे, ये हो गया माइनस टू माइनस सिक्स प्लस के, ये हो जाएगा माइनस टू माइनस ऑफ माइनस सिक्स, मतलब इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा क्या, एट आई, ये हो गया माइनस एट, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, एट जे कैप प्लस फोर के कैप, राइट। और भाई लगे हाथ इसका मॉडुलस भी निकाल ही लो, वो भी चाहिए, तो वो हो जाएगा रूट ऑफ एट स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, तो कितना आ गया ये 64, 128 और 16, 144, और 144 का स्क्वायर रूट सभी को पता है 12 होता है। ये सारी वैल्यू यहां डालो, इधर लिखो 10i प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप a1 माइनस a2। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे किसके साथ, b1 क्रॉस b2 आया, 8i कैप प्लस 8j कैप प्लस 4k कैप के साथ, और मॉडुलस आया 12। अब डॉट प्रोडक्ट सभी को आता है निकालने, 10 इंटू 8 80 प्लस 2 इंटू 8 16 प्लस 3 इंटू 4 12, 80 16 96 12, ये 108 अपॉन में 12, सभी पॉजिटिव हैं, मॉडुलस ऑफ 9, आंसर आ गया है 9, ध्यान रखिएगा क्लास, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9th, 10th, 11th, 12th, 13, ये सभी प्लेन के हैं, 14, 15, 16, 17, तो ये सब नहीं करने इस साल आपने, ठीक है भाई, नेक्स्ट ईयर जब ऐड होंगे तब देखेंगे। 20th क्वेश्चन पढ़ लीजिए, find the vector equation of a line passing through the points 1, 2, minus 1 and perpendicular to the two lines x minus 8 by 3 is equals to y plus 19 by minus 16 is equals to z minus 10 by 7 and x minus 15 by 3 is equals to y minus 29 by 8 is equals to z minus 5 by minus 5। ओके अलंकृत, ये वेक्टर इक्वेशन हमें बतानी है जो लाइन पास कर रही है 1, 2, -4 में से और इन दो लाइन में से। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख के ही समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 20th, राइट। देखो 1, 2, -4 में से जो पास कर रही थी उसकी इक्वेशन लेट कर लो, 1, 2, -4 में से जो पास कर रही थी उसकी इक्वेशन हो गई i प्लस 2j माइनस 4k। आप सभी को पता है वेक्टर r होता है a प्लस लैम्डा टाइम्स b, b तो अननोन है इसके, ये हो जाएंगे b1i प्लस b2j प्लस b3k, ठीक है। अब जो दो लाइन दी हैं उनके डायरेक्शन रेशियोज बताओ मुझे, मैं यहाँ इक्वेशन लिखता हूँ, पहली इक्वेशन दी x माइनस 8 बाय 3 टू y प्लस 19 अपॉन माइनस 16 और z माइनस 10 अपॉन में 7, तो ध्यान से देखो 3, ये हो जाएगा a1, ये b1 और ये c1, तो इसके जो डायरेक्शन हो जाएगी या डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे ना, उसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी हो जाएगी 3i माइनस 16j प्लस 7k,
7 के, ठीक है। और आपको पता है ये इक्वेशन 1 है और ये 2 आ गई, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं लाइंस 1 एंड 2 आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, क्योंकि वो वेक्टर फॉर्म में दे रखी थी ना। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो आपको पता है कि बी वन आई, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ही होंगे, आपको पता है बी वन बी टू बी थ्री बी, बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के का डॉट प्रोडक्ट 3i माइनस 16j प्लस 7k के साथ जीरो होगा, क्योंकि आपको पता है दो जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो इसे सॉल्व करो, ये आ जाएगा 3b1 माइनस 16b2 प्लस 7b3 इक्वल टू में जीरो। इसे थर्ड दे दो। अब ऐसे एक और इक्वेशन दे रखी थी, वो क्या थी याद है? x माइनस 15 बाय 3 इज इक्वल टू y माइनस 29 बाय 8 इज इक्वल टू z माइनस 5 बाय माइनस 5। और इसकी डायरेक्शन निकाल लो भाई। 3i कैप प्लस 8j कैप माइनस 5k। यही जो इससे आएगी, ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ना, a2 b2 c2। 3i कैप प्लस 8j कैप माइनस 5k कैप। इसे नंबर 4 दे दो। और आपको पता है ये 1 और 4 आपस में भी परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्ट कर लूं। तो फिर वही बात, डॉट प्रोडक्ट इनका, मतलब बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के डॉट 3i प्लस 8j माइनस 5k जो है वो जीरो होगा। ये सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 3b1 प्लस 8b2 माइनस 5b3 इक्वल टू जीरो। इसे नंबर 5 दे दो। और अब 3 और 5 से ना b1 b2 b3 की वैल्यू निकालनी है। पहले मैं दोनों इक्वेशन दोबारा से लिख देता हूं। अगर आपको याद हो आपकी इक्वेशन नंबर 3 क्या आई थी, 3b1 माइनस 16b2 प्लस 7b3 इज इक्वल टू जीरो, ये आई थी नंबर 3। और नंबर 5 क्या आई है, 3b1 प्लस 8b2 माइनस 5b3 इज इक्वल टू जीरो। जब भी ऐसे तीन वेरिएबल होते हैं ना तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ही सहारा लेते हैं। जैसे b1 अपॉन में b1 के कोफिशिएंट पे हाथ रखो तो आपको ये दिखेगा, राइट? मेरी हैबिट एक्चुअली स्कूल टाइम से ही है, मैं माइनस b2 लेके चलता हूँ, पर बुक्स वगैरह में वो प्लस b2 लेके चलते हैं। माइनस b2 से लेके चलने का फायदा होता है ये, इसके कोफिशिएंट पे हाथ रखो, लेफ्ट टू राइट ही जाओ, 3 3 7 माइनस 5। और ऐसे ही B3 यहाँ इधर हाथ रखो तो आपको देखेंगे 3 3 माइनस 16 और 8। तो ये हो जाएगा माइनस 16 इंटू माइनस 5 80 माइनस 56। ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15 माइनस 21। और ये हो जाएगा 24 माइनस ऑफ माइनस 48। तो 80 माइनस 56 आ गया 24, ये आ गया माइनस b2 अपॉन में माइनस 36, काट दो ऐसे, और ये आ गया 72। अब ये देखो 18 से जा रहे हैं, ठीक है, तो 18 से नहीं जा रहे, 12 से जा रहे हैं तीनों, 12 2 द 12 3 द और 12 6 द। तो ये सॉल्व होके बच गया b1 अपॉन 2 इक्वल टू b2 अपॉन 3 इक्वल टू b3 अपॉन 6 बच गया, ठीक है। यानी कि ये हो गए भाई इसके डायरेक्शन रेशियोस। तो इसकी जो डायरेक्शन लाइन 1 के, ठीक है ना, वो आ गए 2i प्लस 3j प्लस 6k। और जो हमारी लाइन 1 थी अगर आपको याद हो, उसकी इक्वेशन आ गई i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 6k।
याद रखना, तो यही हमारा आंसर है। ओके तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है 21st लास्ट, बाकी तो सिलेबस में है नहीं हमारे, तो 21st लास्ट क्वेश्चन रीड कीजिए अलंकृत। प्रूव दैट इफ अ प्लेन हैज द इंटरसेप्ट्स ए बी सी एंड इज एट द डिस्टेंस ऑफ पी यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, देन 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय पी स्क्वायर। ओके इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, पहले मैं बोर्ड रब कर रहा हूं आपके लिए। अच्छा ये भी प्लेन का क्वेश्चन है तो क्लास ये भी करने की जरूरत नहीं है, राइट? ठीक है तो क्लास ये क्वेश्चन भी क्रॉस कर दीजिए, अभी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कौन कौन से हमने करने हैं क्वेश्चन। तो क्लास बाकी जो क्वेश्चन है प्लेन से रिलेटेड है, अगर आपको लाइन से रिलेटेड हो या 3D में, ठीक है ना, प्लेन के अलावा स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं डाउट। थैंक यू एवरीवन, ये हमारी 3D की वीडियोग्राफी कंप्लीट होगी। थैंक यू।